वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद पेश कर दी गई। इस्पीकर अब्दुल कुद्दूस बजिंजो की ज़ेर सदारत बलोचिस्तान असम्बली के इजलास में वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद पेश की गई। सरदार अब्दुल रहमान कैथरान ने वज़ीर आला के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद पेश की। करारदाद के मतन में कहा गया कि वज़ीर आला की ख़राब हुक्मरानी के बाइस बदअमनी और बेरोज़गारी बढ़ी। वज़ीर आला जाम कमाल खुद को अक्ल कुल समझकर मामला चला रहे हैं। वज़ीर आला की जानिब से मशावरत ना करने पर इदारों की कारकर्दगी मुतासिर हुई। ख़राब कारकर्दगी पर वज़ीर आला को ओहदे से हटाया जाए। करारदाद के हक़ में 33 अरकान ने वोट दिए। करारदाद के हक़ में BAP के नाराज़ रुकन सरदार अब्दुलरहमान कैथरान ने कहा कि वज़ीर आला के ख़िलाफ़ फ़ैसला हो चुका है, हमारे 5 अरकान लापता हो गए हैं, आइंदा चंद दिनों में 5 मज़ीद लापता हो जाएंगे। इस तरह वो ये तहरीक नाकाम बना लेंगे, लेकिन अब ये ऐवान नहीं चलेगा। जाम कमाल खान को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। कायद हिजब इख्तलाफ बलोचिस्तान असम्बली मलिक सिकंदर एडवोकेट ने कहा कि अकबर आसकानी, लाला रशीद, लैला तरीन, महजबी शेरान और बुशरा रिंद ताहाल असम्बली ना पहुँच सके, हमारे लापता अफराद को फौरी ऐवान में पेश किया जाए। वज़ीर आला को कहते हैं कि वो फौरी तौर पर मुस्ताफ़ी हो जाएं। हम गुजारिश कर रहे हैं मीडिया के जरिए, इस जनाब स्पीकर साहब आपके जरिए, कि मेहरबानी करके जो हमारे मिसिंग है उनको इमीडिएटली रिलीज किया जाए, नहीं तो ये ऐवान, ये बलूचिस्तान, ये सब एहतजाज में जाएगा। हम उस लेवल पर नहीं जाना चाहते। हमारे लिए हर इदारा काबिल एहतराम है। बाकी ऐवान का एतमाद उठ गया एक शख्स से, तो बेहतर मैं समझता हूँ एक वेलविशर के तौर पर कि जाम साहब को स्टेप डाउन कर जाना चाहिए। इक्तदार के साथ चिमटे रहने से फ़ायदा नहीं है। आज 5 मिसिंग हैं, कल और 5 मिसिंग कर लेंगे, शायद ये कुर्सी इसकी बच जाए, लेकिन अब ये ऐवान नहीं चलेगा, न सिलसिला चलेगा। अखलाकियात का तकाजा है, बलूचिस्तान की रिवायत का तकाजा है, इस ऑगस्ट हाउस की इज्जत का तकाजा है कि फौरी तौर पे जाम साहब स्टेप डाउन कर जाएं। इजलास से कबल वज़ीर आला जाम कमाल खान की जानिब से बलूचिस्तान आवामी पार्टी और उसकी इत्तेहादी जमातों के सूबाई वज़रा, सैनेटर्स, अराकीन असम्बली और पार्लिमेंटेरियंस के एजाज में जहराना दिया गया। इस मौके पर जाम कमाल ने कहा कि तहरीक अदम एतमाद के मामले पर पुरएतमाद हूँ, हम बलोच हैं, किसी को दावतों से नहीं रोक सकते। तहरीक अदम एतमाद पूरी ओपोजिशन की तरफ से नहीं आई और अभी भी यकीनी तौर पे इस हवाले से बहुत सारे ऐसे मेंबरान आज भी मौजूद थे जिनको अपने साथ 33 में शामिल कर रहे हैं कि उनमें से बहुत सारे मेंबरान इधर भी हैं जो ये महसूस करते हैं कि हम इतनी एक्सट्रीम पे चीज़ों को इंशाल्लाह नहीं ले जाना चाहते, लेकिन आप हमारे कोलेशन के हिस्सा हैं, हमारे पार्टी के हिस्सा हैं, हम आपके साथ बैठेंगे, हम आपके साथ, हाँ हमने एक वादा किया, हमने एक वादा किया था कि हम इस्तीफ़ा देंगे, वो हमने पूरा किया। हमने एक वादा किया था कि हम अदम एतमाद की तकरीर जो तहरीर है इस पर दस्तखत करेंगे, वो हमने किया है। और हमने ये भी वादा किया था कि हम उस दिन टेबल करने के लिए आपके साथ होंगे। तो ये शुरू में अगर हमारे वादे हुए तो हम बलोच लोग हैं, पठान लोग हैं, हम अपने कुछ वादों पे भी कुछ चीज़ें रखते हैं, तो हमारी वादे, हमारे यहाँ तक वादे कंप्लीट हुए।